ये दूसरा कुरिन्थियों का पत्र छठे अध्याय सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 6 उसकी 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 1-10। ये जो संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु की आत्मा ने मुझे जब प्रकट किया, आई वॉज रियली एनकरेज्ड, मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद किया। देखते हैं कितना आप समझ पाते हैं। हालेलुया। अगर समझ में आ गया तो बच गया, अगर समझ में नहीं आया तो फिर थोड़ा सा और टाइम लगेगा। हालेलुया। देखते हैं सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 1-10। ओके, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। हम किसी बात में ठोकर खाने का अवसर नहीं देते ताकि हमारे सेवकाई में कोई दोष ना आए। ओके, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, इसके इंट्रोडक्शन में बोलेगा तो फिर मेन संदेश बोलने में समय शायद नहीं मिले, इसलिए मैं डायरेक्ट उस संदेश की ओर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूँगा। प्रभु चाहे तो अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाए तो इस हफ्ता में जो सू मीटिंग आएंगी उसमें बाकी मैं कंप्लीट करूँगा। पौलुस बोलते हैं, जो सेवकाई करना चाहते हैं आपके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। बाइबल में लिखा है, आपको जो परमेश्वर की अनुग्रह मिला वो व्यर्थ जाने नहीं देना। परमेश्वर की अनुग्रह हमको मिला है, वो अनुग्रह चाहे तो आप उससे उसकी पूरा फायदा उठा सकते हैं, चाहे तो आप उसको व्यर्थ जाने दे सकता है। कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह मिलता है, वो उनको पूरा रिसीव करते हैं, पूरा स्वीकार कर, उनके लिए वो अनुग्रह बहुत ही बड़ा आशीष का कारण है। कुछ लोग उसको हल्का से लेते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, इसके लिए परमेश्वर की अनुग्रह तो है लेकिन उससे उनको ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि उसने सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे पौलुस कहते हैं, आपको जो परमेश्वर की अनुग्रह मिला वो व्यर्थ जाने ना दो। आपको परमेश्वर की अनुग्रह मिला है तो अगले शब्द में प्रभु की आत्मा कहते हैं, आप उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की अनुग्रह व्यर्थ जा सकता है,
परमेश्वर की अनुग्रह आपको जो आपके ऊपर दिया है, लेकिन वो व्यर्थ जा सकता है, कोई फायदा नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग उस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं और उस अनुग्रह को सही इस्तेमाल करते हैं। पौलुस कहते हैं, मेरे ऊपर जो अनुग्रह हुआ उसको मैं व्यर्थ जाने नहीं दिया। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय में पौलुस ने बोले, मेरे ऊपर जो अनुग्रह हुआ उसे मैं व्यर्थ जाने नहीं दिया। हालेलुया, आपके ऊपर जो अनुग्रह हुआ उसे व्यर्थ जाने नहीं देना है। आमेन, हालेलुया। फिर कहते हैं दूसरे आयत में, कहते हैं मैं प्रसन्नता के समय पर मैं आपको सुन ली, उद्धार का दिन में मैं आपकी मदद किया, सहायता किया। फिर कहते हैं अभी ओ प्रसन्नता का समय है, अभी ओ उद्धार का दिन है। प्रसन्नता का समय है, उद्धार का दिन है। वो दिन आज है, वो समय अभी है। हालेलुया, एक प्रिंसिपल है, किंगडम प्रिंसिपल। सब लोग यहां पर हैं? सब लोग यहां पर हैं? ठीक है, एक किंगडम प्रिंसिपल है, परमेश्वर का राज्य का एक सिद्धांत है। वो दिन आज है और वो समय अभी है। हालेलुया, अगर ये प्रिंसिपल समझ में आएगा, हमारे जीवन में बहुत कुछ बातों को हम प्राप्त कर सकते। ऐसे ये बात समझ में आप जीवन का एक घंटा भी आप फालतू में जाने नहीं देंगे। फालतू में आपका जीवन का एक समय भी नहीं, टीवी देखकर, मोबाइल के सामने बैठकर, फालतू की बातें बोलकर, ऐसे लेट कर, ऐसे सोकर, ऐसे किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलकर हम अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आपको पता चलेगा वो दिन आज है और वो समय अभी है। समझ में नहीं आया? हालेलुया, वो दिन आज है और वो समय अभी है। अगर ये प्रकाशन आपका जीवन में होगा, then you will never waste your time। आप अपने समय को व्यर्थ जाने नहीं देगा। क्या कर रहा है, क्या करना है, खाली बैठा हुआ है, ऐसे एक शब्द आपके मुंह से कभी आएगा नहीं। क्या कर रहा है, अरे आज कोई खास काम नहीं है इसलिए लेटा हुआ है, सो रहा है। क्या इसका मतलब है, आप परमेश्वर की उस अनुग्रह को नहीं समझे, परमेश्वर की प्रसन्नता को। दो बातों के बारे में लिखा, द फेवर ऑफ गॉड एंड द सल्वेशन ऑफ गॉड। फेवर ऑफ गॉड एंड सॉरी फेवर ऑफ गॉड एंड सल्वेशन ऑफ गॉड। आमेन। तो परमेश्वर की फेवर, परमेश्वर की प्रसन्नता को, फेवर ऑफ गॉड एंड सल्वेशन ऑफ गॉड, उद्धार और प्रसन्नता, ये दो चीज अगर आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो दोनों चीज प्रेजेंट टेंस में होते हैं। उद्धार का बातें समझिएगा तो, सल्वेशन के बारे में सोचना है तो आपको समझ में, टुडे इज द डे, आज वो दिन है। प्रसन्नता, फेवर ऑफ गॉड के विषय में बाइबल कहते हैं नाउ, अभी है, वो समय है। हालेलुया, तो ये दोनों बातें जब हमको समझ में आते हैं तो हम अपना समय को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आमेन। फालतू की बातों में हमारा समय नहीं जाएंगे, हम समय को सही इस्तेमाल करेंगे, या तो प्रार्थना, या तो वचन, या तो प्रभु की सेवकाई में, नहीं तो कुछ भले कामों में, कुछ ना कुछ ऐसे प्रभु का कार्यों में आप समय बिताना शुरू करेंगे, अगर आपको ये समझ में आएंगे। सो ऐसा है तो आपका जीवन का, मेरा प्रार्थना है, मैं इस संदेश को फिर से मैं एक्सप्लेन करके आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। ऐसे है तो 2022 जो आने जा रहा है, मेरा विश्व प्रार्थना है कि उसमें एक डे भी फालतू में खराब होकर नहीं जाना। बाहर दुनिया में कुछ भी चले, लॉकडाउन हो, लॉक इन हो, या लॉक अप हो, कुछ भी हो, हालेलुया, व्हाटएवर हैपेंस, लेकिन आप
आपका एक दिन भी, एक समय भी फालतू में नहीं जाएगा। हालेलुया। एक बार पौलुस और शीलास को पकड़कर जेल में डाल दिया, रात को जेल में, रात की समय था, 12 बजे, 12:30 बजे है का समय है, बंधन में है, सब बांध कर रखा है, जेल के अंदर है भाई, शरीर में पूरा दिन आपने मार खाया है, आप एक क्या करना है, लेट को सो जाओ। लेकिन पौलुस और शीलास ने समझ में आ गई, एक शायद ये दिस इज द टाइम ऑफ फेवर, गॉड्स फेवर का समय है। हालेलुया, आमेन। ये उद्धार का समय है, ये फेवर, फेवर का, प्रसन्नता का समय है, इसलिए ये सोने का समय नहीं है। उसने समय को पहचान लिया और वहां पे स्तुति आराधना करना शुरू किया, स्तुति आराधना करना शुरू किया, थोड़ी समय में वो माहौल बदल गया। हालेलुया, थोड़ा समय के अंदर जेल बपतिस्मा का कुंड बन गया। आमेन, हालेलुया। अगर आप समय को सही तरीके से पहचानेंगे, जब समस्या आएंगे, परेशानी आएंगे, आप बोलेंगे, कुछ लोग ये मेरा वो दिन अच्छा नहीं, समय ठीक नहीं है, शायद शायद समय, दुनिया बोलते ना समय ठीक नहीं है, दिन ठीक नहीं है, वो वाला महीना अच्छा नहीं है, 2020 अच्छा नहीं है, पूरा वायरस है। हालेलुया। लेकिन आपके लिए ऐसे कोई बुरा समय और ऐसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप बोलेंगे दिस टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन, नाउ इज द टाइम ऑफ गॉड्स फेवर। हालेलुया। ये दो सिद्धांत अगर आपको समझ में आ जाएंगे, हालेलुया, हमारे जीवन का एक भी दिन भी, एक वन आवर भी, एक घंटा भी खराब नहीं जाएंगे। कुछ लोग बैठ कर कितना घंटा खराब हो जाता है इससे सोच कर, कोई काम तो है नहीं, मोबाइल फोन के अंदर कितना समय खराब हो जाते हैं, टीवी के सामने कितना समय खराब होते हैं, फालतू में कितना समय खराब होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को खराब नहीं करना। इस जिंदगी में समय फालतू में जाने नहीं देना। फिर पौलुस को पकड़ कर जेल में डाल दिया। उस समय भूकंप तो नहीं आया, जेल से बाहर भी नहीं आया, लेकिन जब जेल से बाहर आ गया तो कई सारे पत्रियों को साथ बाहर आया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको समझ में आ गया ये सीजन है, कुछ लिखने का सीजन है। हालेलुया, आमेन। जंजीर से बांधा तो समझ में आ गया आज रात बपतिस्मा का रात है। हालेलुया। और जेल में डालते समझ में आ गया अब तो कुछ पत्रियों को, प्रकाशनों को लिखने का मौसम है, समय है। हालेलुया, आमेन। हर समय पौलुस के जीवन में आप देख सकते हैं, हर समय, हर मुश्किल के समयों को उसने बदल दिया है। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ्य कार्यों के लिए वो समय बदल गया है। मैं आपको देखकर भी बोलूं, मुझे देखकर मैं भविष्यवाणी करना चाहूंगा, जीवन का एक भी दिन फालतू में नहीं जाने पाए, जीवन का एक भी घंटा, हालेलुया, खराब ना जाने पाए, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, पाप में ना जीने पाए, निराशा में ना जीने पाए, एक समय भी हालेलुया ऐसे नकारात्मक बातों में ना जीने पाओ। हालेलुया, नकारात्मक परिस्थिति के बीच में आप सकारात्मक होकर जीना है, निराशाओं के बीच में आप आशा के साथ जीना है, अंधकार के बीच में आप प्रकाश बनकर जीना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को बोलो, मेरे जीवन का एक भी दिन खराब नहीं होगा। आमेन। पास वाले व्यक्ति को देखो, आपका जीवन का भी एक भी दिन खराब नहीं होगा। फिर बोले, सोते सोते समय खराब मत करना। हालेलुया,
हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, इन जीसस नेम। फिर पौलुस कहते हैं, मैं उस विषय को छोड़ता हूँ, दूसरा आयत हम बाद में डिटेल में हम सीखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड। मैं इन दिनों में जो बातें आपसे बोल रहा हूँ, जूम में हो, चर्च में हो, रियली मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल रिलाम में प्रभु की आत्मा ने जो मुझे सिखाया है उन बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे लिए परमेश्वर का नो उस आत्मिक स्तर में जब हम पहुँचता है, वहाँ पे मैं जो बातें हमको समझ में आता है वो कुछ अलग होता है। वहाँ पे मुझे समझ में आ गया, हमारे लिए हर दिन सालवेशन का, उद्धार का दिन है। हमारे लिए हर दिन, हर समय प्रसन्नता का समय है। आमेन। हर समय कौन सी समय है? अभी आप कौन सी समय है? परमेश्वर की प्रसन्नता की। क्या आप परमेश्वर के क्रोध के समय पर है अभी? फिर कौन सी समय पर है? परमेश्वर की प्रसन्नता के समय पर। हाँ, कुछ बच्चे तो कम से कम मेरा साथ दे रहे। नो लंबा बोला था, हालेलुया, आमेन। क्या परमेश्वर की क्रोध के समय पर है? ऐसे आना चाहिए। हालेलुया। पत्थर नहीं लेंगे, लेकिन ये वाला पत्थर तो चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। सो वहां पे मैं समझ में आता है, हम परमेश्वर की प्रसन्नता के समय पर जी रहा है। तो 2021 में हम कौन से समय पर हैं परमेश्वर की? 2022 में हम कौन से समय पर होंगे परमेश्वर की? प्रसन्नता के समय। यीशु मसीह के आगमन देरी है तो हम प्रसन्नता के समय पर होंगे। यीशु मसीह के आगमन आ गया, अगर आ गया तो फिर आप क्रोध के समय पर प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह, अगर आप क्रोध के समय पर जीना चाहते हैं तो आप जी सकते हैं। यीशु मसीह के आगमन ने अगर उठा लिया, नहीं किया, तो फिर आप सीधे उस सीजन में प्रवेश करेंगे जहां पे परमेश्वर की क्रोध की नो पात्र उंडेला जाने का समय होगा। अभी अभिषेक का पात्र उंडेला जाने का समय है, अभिषेक का तेल उंडेलने का समय है। इस सीजन के बाद एक क्रोध का, न्याय का सीजन आएगा। उस समय पर हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। आमेन। मुझे आपका नहीं पता, मैं तो नहीं होंगे। हालेलुया, आमेन। फिर पौलुस कहते हैं, इसलिए हम किसी बातों में ठोक कर खाने का अवसर नहीं देते। ओह माय गॉड, किसी बात पर ठोकर खाने का अवसर हम नहीं देते। एक ऐसे एक चांस भी हम नहीं देते, ठोकर का एक चांस भी हम नहीं देंगे। सब यहां पर है क्या? सब यहां पर है क्या? हालेलुया। लाइट ऑफ करना किसी देखा नहीं है। मैं मीटिंग के बाद 10-15 बार ऑफ करके ऑन करके दिखाऊंगा। अभी आप यहां पर देख लीजिएगा। ओके, हालेलुया। वो एक बहुत चैलेंजिंग वर्ड है। पौलुस कहते हैं, मैं किसी बातों में ठोकर का कारण, ठोकर का अवसर भी नहीं दूंगा। मेरे तरफ से मैं ठोकर का अवसर, ताकि सेवगाई में कोई दोष ना आए, प्रभु की सेवगाई में कोई दोष। इसलिए आपका जिम्मेदारी क्या है? ठोकर का अवसर नहीं देना। प्रभु की सेवगाई करने वाले, करने के लिए चाहने वाले लोग, आपका जीवन में आप प्रभु की सेवगाई की दोष आने का अवसर नहीं देना, ठोकर का अवसर नहीं देना। हालेलुया। हर बात में हम परमेश्वर की सेवक के समान अपने आप को, सद्गुणों को, हर बात में परमेश्वर की सेवक के समान सद्गुणों को हम क्या करते हैं? प्रकट कर, हर बात में। कौन सी बातों में? सब लोग, कौन सी बातों में? हर बात में हम किसके समान है? परमेश्वर की सेवक के समान सद्गुणों को प्रकट करता है।
घर में हो, ऑफिस में हो, चर्च में हो, रोड में हो, मेट्रो में, जहां कहीं भी हो, हम किसके समान है? परमेश्वर की सेवक के समान। कुछ लोग बोलते हैं चर्च में हम आत्मिक है, घर में हम अलग है, ऑफिस में हम और अलग है, और हर जगह अलग अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बातों में और हर जगह आप परमेश्वर की सेवक है। हालेलुया, हालेलुया। अभी 5 से लेकर पढ़ेंगे। कौन सी हर बातों में बोले ना, हर बात मतलब कौन सी बातों में? बड़े धैर्य से, क्लेशों से, बड़े धैर्य से, बड़े धैर्य से, बड़े धैर्य से, बड़े धैर्य से माने हिम्मत से, और क्लेशों से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, संकटों से, घोड़े खाने से, कैद होने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, परिश्रम से, जागते रहने से, जागते रहने से, उपवास करने से, उपवास करने से, बस 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 बस, उपवास नहीं है, बड़ी धैर्य भी सही नहीं है। शुरुआत 5 ऐसे बड़ी धैर्य लिखे, बड़े धैर्य से नहीं, एक्चुअली इन बीटिंग्स, मार खाने में, मार खाने में ऐसे लिखा, इन बीटिंग्स, और उपवास नहीं है, इट्स नॉट उपवास, हंगर, भूख, बड़ी भूख से, बड़े 8 बात वहां पर लिखा, 8 बात, मार खाना, कष्ट, क्लेश, और उससे पहले संकटों से, घोड़े खाने से, दरिद्रता से, ओके, क्लेशों से, खेद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, और भूखा रहने से, ओके, ये सारे समस्या हमारे जीवन में नहीं है, सारे समस्या यहां पर लिखा, वो सारे समस्या किसी के जीवन में है? इसमें लिखा हुआ 8 समस्या है, सब कुछ किसी के जीवन में है क्या? 8 लिखा, 8 नहीं है, 7 है, 7 भी नहीं है, 6, तो देख ले, गिनती करके देख लीजिए, आपका आपका आप उसमें आता है कि नहीं, तो एक बार देख लीजिएगा, 6 भी नहीं, 5, 5 भी नहीं, 4, 4 है, 4 है, बोलो ना, 4 है आपका जीवन में, 4 तो होंगे, ऐसे होंगे बोलने नहीं, कंफर्म करना है, देख लीजिए ना, 4 है, ओ, आप बोल सकते हैं कौन सी है? 4 संकट है आपका, और क्लेश है, और दादा 4 अभी 3 हो गया, तीसरा कौन सी है? तीसरा संकट, क्लेश और परिश्रम है, मतलब सोते ही नहीं आप लोग, ओके, तो 4 बोला तो फिर अभी 3 आ गया, ठीक है, वो 3 को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर बोलना, ठीक है, वो तीनों में आप है कि नहीं, और कौन है? 3 है, 4, 3, 2, फिर मैं, फिर तो मीटिंग के बाद प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भी आने का क्या जरूरत है? मैं आपके पास आना चाहिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन जिस प्रहार पौलुस यहां पर लिखा है, उस प्रहार तो शायद आपके जीवन में ये समस्याएं होंगे नहीं, लेकिन एक नहीं तो दूसरे तरीके से इसमें से कुछ समस्या हमारे जीवन में जरूर होंगे। शायद कुछ लोगों को समस्या का स्तर बहुत बड़ा होंगे, कुछ लोगों का छोटा होंगे, कुछ लोगों को ज्यादा होंगे, कुछ लोगों को बोलेंगे दरिद्रता बोलेगा, तो अगर आप बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल दरिद्रता, हम बोल दरिद्रता लिखा है, दरिद्रता लिखा है, पैसा नहीं होने का एक अवस्था, राइट,
कुछ लोगों के जीवन में वो बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि एक देर का खाना खाने के लिए पैसा नहीं होता है, भूख खा रहता है। दुनिया का सबसे बैड इमोशन, सबसे मुश्किल इमोशन कौन सी आपको पता है? भूख है, भूख है। जिसने तीन दिन से, चार दिन से, एक हफ्ता से खाना नहीं खाया, उनसे जाकर पूछ लो, वो बताएंगे। सबसे खतरनाक एक इमोशन है भूख, भूखमरी जो है सबसे खतरनाक मृत्यु है, बाकी किसी मृत्यु से भी खतरनाक होता है भूखमरी। हम अपना समस्या है हमेशा हम बड़ा छोड़ाकर बोलते हैं हम अपना समस्या को, लेकिन कई बार हम मुझे समझ में आते हैं, इतना दुनिया में हम जब जाते हैं, दुनिया के लोगों की समस्या को जब हम देखते हैं, तब समझ में आते हैं हमारा समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है जितने हम समझते हैं और बोलते हैं। हालेलुया। इसी समय भी ऐसे बहुत से लोग हैं, एक वन टाइम का खाना नहीं खाया है, ऐसे बहुत से लोग हैं मृत्यु का इंतजार में पड़े हुए हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं गलत नहीं किया लेकिन जेल में है, कोई भी गलत नहीं किया लेकिन जेल के अंदर पड़ा हुआ है, ऐसे बहुत से लोग हैं इस समय किसी से बचकर भाग रहा है, ऐसे बहुत से लोग हैं अपने बच्चों को खो गया, अपने प्रिय लोगों को खो गया, कहा है पता नहीं है, ऐसे बहुत खतरनाक एक दुनिया में हम रहते हैं। और सिर्फ सुसमाचार ही, यीशु मसीह का प्रेम ही इन बातों को बदल सकता है, और कोई तरीका नहीं है। नहीं अगर होता तो WHO और दुनिया में और भी बहुत सारा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हेल्थ के लिए, चाइल्ड के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए, बहुत सारा संस्थाएं दुनिया में है, बहुत सारा फंड भी उनके पास है, फिर भी ये ए, 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 भूख को नहीं हटा पा रहे, मनुष्य के संकटों को, दुखों को नहीं हटा पा रहे। बहुत सारा धर्म दुनिया में है, बहुत सारा ऐसे संविधान दुनिया में, लेकिन ये कुछ भी इंसान की उन समस्याओं को सॉल्यूशन, समाधान नहीं दे पा रहा है। हालेलुया। इसलिए वहां पर आपको समझना है यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का सुसमाचार को लेकर जाने के लिए प्रभु ने जब हमें अभिषेक किया, हमारे ऊपर पड़ा हुआ कॉलिंग, बुलाहट और अभिषेक, हालेलुया, बहुत से लोगों की, दरिद्रों को, कंकालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, हालेलुया, खेदित मन वालों को शांति देने के लिए, बंधुओं को, हालेलुया, जो बंधन में पड़े हैं उनको आजादी देने के लिए, अंधे आंखों को खोलने के लिए, जो दुख में, शोक में है उनको उसकी बदले आनंद का तेल उसके ऊपर उंडेलने के लिए, यहोवा की अभिषेक हमारे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोले मेरे ऊपर परमेश्वर की अभिषेक है। तो इस पीढ़ी में परमेश्वर का, हालेलुया, ज्योति, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, आपको विश्वास करना है, आपको अंगीकार करना है। इस पीढ़ी में परमेश्वर, परमेश्वर की महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करेंगे, और शैतान के बंधनों को खोलने के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेंगे, प्रभु की महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करेंगे। आपको अंगीकार करना है, विश्वास करना है। आमेन, हालेलुया। तो आठ बातें वहां पे पौलुस ने बोला, मैं वो सारे बातें मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करता हूं। फिर उसके बाद में आठ बात और बोला, वो पढ़ेंगे। पवित्रता से, पवित्रता से, ज्ञान से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से, जो दाहिने बाएं हाथों में है, और दाएं और बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, वहां तक, वेट, सात में आए तक। तो यहाँ पे एट ग्रुप है, और यहाँ पे एट ग्रुप है, ध्यान से सुनना है, ओके?
यहाँ का एट ग्रुप है उसमें मार है, संकट है, कष्ट है, जेल है, घोड़े है, संकट है और कंगाल, क्लेश, जागना, बहुत कुछ, ये सारे बातें यहाँ पर हैं। ये सारे बातों से आपको छुटकारा देगा ये नहीं बोल रहे भाई। कोई बोल रहा है सर तो फिर हम क्यों आ रहे हैं चर्च में? हालेलुया। यहाँ पे इस आठ बातों में दुनिया का सारे समस्या आ गया। सच बोलेगा दुनिया का ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स इस आठ के अंदर हम डाल सकता है। लेकिन पौलुस कहते हैं ये सब है, लेकिन अनदर साइड में, दूसरे साइड में हमारे क्या दिया गया है? पवित्रता। सब लोग बोले पवित्रता, ज्ञान और धीरज, कृपालुता। ठीक है ठीक है ठीक है, वो इतना इतना सब तो कैरेक्टर है। पवित्रता, ज्ञान, कृपालुता, धीरज, ये सब हमारा कैरेक्टर है। इन स्वभावों के द्वारा कुछ बातों के ऊपर हमें जय पाना है। यहाँ पे जो आठ ग्रुप है ना, यहाँ पे आठ ग्रुप है ना, फिजिकल दुनिया में ये बातें हमको सामना करना पड़ेगा। उसका 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 स्तर छोटा और बड़ा हो सकता है, उसका मेशर छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन इनमें से होकर शायद हमको कई बातों को हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये शारीरिक दुनिया है, शारीरिक दुनिया। यहाँ पे दो दुनिया है, एक शारीरिक दुनिया, एक आत्मिक दुनिया। आप कौन सी दुनिया में है? सच में दोनों दुनिया में है। हालेलुया। लेकिन हम अंधकार का राज्य में से ज्योति के राज्य में हम आ गया है, लेकिन हम शरीर में अभी भी इस दुनिया में हम लोग हैं, लेकिन आत्मा में हम उस पुत्र का राज्य में है। आमेन। अभी इस शरीर के साथ, इस दुनिया शरीर में है, आत्मा आत्मा में हम प्रभु के राज्य में है। हालेलुया। इन दोनों के बीच में एक बड़ा फाइट होता है, जैसे शरीर का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव के बीच में फाइट होता है, इसी प्रकार ये दोनों ग्रुप के बीच में बड़ा फाइट होता है। आमेन। अभी हम कौन सी बात को ऊंचा उठाकर बोलेंगे? हम कौन सी बात को ऊंचा? कष्ट है, समस्या है, क्लेश है, कर्जा है, बीमारी है, इस बात को आप ज्यादा हाईलाइट करेंगे या इस ग्रुप का बातों को आप ज्यादा हाईलाइट करेंगे, ये हम थोड़ा समय देखने जा रहा है। यहां पे क्या है? यहां पे निर्मलता, पवित्रता, ज्ञान, धीरज, कृपालुता, ये सब हमारे कैरेक्टर है। हालेलुया। और ये यहां पर इसके साथ में परमेश्वर में क्या क्या दिया गया है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आपको इन आठ ग्रुप को हराना है, उसके ऊपर जय पाना है, उसके लिए परमेश्वर और आठ ग्रुप को यहां पर दिया हुआ है। इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप उस दुनिया की बातों को हराना है। आमेन। तो उसमें एक हथियार है आपकी पवित्रता, वो भी एक हथियार है आपका, आपके पवित्रता एक। उसमें एक हथियार है ज्ञान, उसमें एक हथियार है धीरज, चुप रहेंगे, धीरज रखेंगे। हालेलुया। उसमें एक हथियार है कृपालुता, कृपालुता। आमेन। थरस काना, लोगों को नो हेल्प करना, वो एक कृपालुता। ये सब एक हथियार, नो ये सब हथियार। फिर कहते, फिर अभी कुछ पावरफुल वेपन्स के बारे में बोलने जा रहे हैं, कुछ सामर्थ्य हथियारों के बारे में बोलने जा रहे हैं, वो है पवित्र आत्मा। आपको क्या दिया है? पवित्र आत्मा। फिर क्या दिया है? सच्चा प्रेम। क्या है? सच्चा प्रेम। फिर क्या है? सत्य का वचन, सत्य का वचन दिया है। फिर क्या दिया है? परमेश्वर का सामर्थ्य दिया है। फिर क्या है? राइट साइड में धार्मिकता का हथियार, एक हाथ में
लेफ्ट हैंड में भी धार्मिकता का हथियार। अब एक लड़ाई करने जा रहे हम लोग, कौन जीतेगा इस लड़ाई में, कौन जीतेगा? यहां पर भूख और जेल और संकट, क्लेश, खर्चा, ओ ये दुनिया भर की समस्या यहां पर है। यहां पर आपको दिया गया है सत्य का वचन और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ्य। हालेलुया, आमेन, आमेन। और धार्मिकता का हत्या राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी, आमेन। और पवित्र जीवन, ज्ञान, धीरज और सच्चा प्रेम, हालेलुया, ये सब देखकर प्रभु की आत्मा कहते हैं, हालेलुया, आप कौन सी बात को हाईलाइट करेगा? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब मेरा सवाल है, आप यहां पर है या यहां पर है? कुछ लोग बोलेंगे हम ऐसे हैं, मुश्किल है। आमेन, हालेलुया। सच यही है, यहां की बातें हमारे ऊपर असर करता है, यहां की बातों के बीच में ही हम रहते हैं। जो पहले बोला कि 8 ग्रुप है ना, उनका बीच में ही हम रहते हैं। नो, मेंटली, फिजिकली, इन सारे चीजों को हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन एक प्रकाशन में, हालेलुया, एक रेवलेशन में हम कहां पर हैं? हम आत्मिक दुनिया में हैं। हमारे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है, सच्चा प्रेम है, हालेलुया, परमेश्वर का सत्य का वचन है, आमेन, परमेश्वर का सामर्थ्य है, धार्मिकता का हथियार है। इन चीजों को लेकर, हालेलुया, हम इन सारे बातों के ऊपर जय पाता है। भैया बहुत ही पावरफुल वेपन है, एक एक वेपन। यहां पर 8 है तो यहां पर भी 8 है, उसमें एक हथियार का नाम पवित्र आत्मा है, एक हथियार का नाम परमेश्वर का सामर्थ्य है, एक हथियार का नाम परमेश्वर का सच्चा वचन है, एक हथियार का नाम आपका सच्चा प्रेम है, हालेलुया, और एक हथियार का नाम धार्मिकता का हथियार है। यहां पर भी धार्मिकता का हथियार है, आमेन। पौलुस कहते हैं, वन साइड में ये सब कुछ हमें है, लेकिन दूसरे साइड में ये हमारे जीवन में है। आमेन, हालेलुया। समझने वाला कोई है क्या? हालेलुया। तो आपका जीवन में हाईलाइट किस चीज को करना है? सत्य का वचन, सच्चा प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा, आमेन, हालेलुया, धार्मिकता का हथियार, राइट एंड लेफ्ट, आमेन, और पवित्र, पवित्रदाई, हालेलुया, और ज्ञान, आमेन, हालेलुया, और कृपालुदाई, इन धीरज, इन बातों को आपको क्या करना पड़ेगा? हाईलाइट करना है, मैं इससे भरा हुआ हूं। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। आप समाप्त नहीं हुआ, मैं जल्दी जाता हूं। आठवीं आयत से लेकर आदर और निरादर से, दुर्नाम और बस आदर और निरादर, तो दो दुनिया है। मैंने बोला दो दुनिया है, कितना दुनिया है? यहां पर आपको निरादर है, लेकिन याद रखना परमेश्वर का राज्य में आपको आदर है। एक दुनिया में आपको निरादर मिलता है, दूसरा दुनिया में आपको आदर दिया है। ऑलरेडी यू आर आदरणीय, इस दुनिया में आप रेवरेंट है, रेवरेंट, हालेलुया, रेवरेंट माने क्या? आदरणीय, हालेलुया। आपका बैठने का तरीका, इस परमेश्वर के राज्य में आप आदरणीय है, आपको आदर दे चुका है,
हालेलुया, आमेन। और लेकिन इस दुनिया में क्या भी मिल सकता है, निरादर भी मिल सकता है। लेकिन अभी आबर लड़ाई इस बात में हम लेकर जाएंगे, अभी देखेंगे मेजोरिटी क्या है। मेजोरिटी प्रकाशन में जाना है कि इस दुनिया में 800 करोड़ लोग है। कितना करोड़ लोग है? 800 करोड़, मैक्सिमम उतना है, 700 समथिंग है। उस दुनिया में आपको निरादर करेगा तो कितने लोग करेंगे? मैक्सिमम कितना लोग आपको निरादर कर सकता है? पास्टर सब लोग मुझसे, ये सब लोग मतलब कितने लोग है? ये सब लोग माने कितने लोग है? कितने लोग है बताओ ना, आपको थोड़ा गिनती करके देखो कितने लोग। आपको लग रहा है सब लोग, आपका पूरा दुनिया पास्टर मुझे मेरे पीछे, सब लोग मुझे मेरे खिलाफ बात करते हैं, सब लोग मेरा बुरा भला बोलता है। ये सब लोग माने आप एक थोड़ा बता दीजिएगा। कुछ लोग बीच बीच में आकर बोलते हैं पास्टर चर्च के सब लोग ऐसे बोलते। मैंने बोले सब लोग नहीं बोलना, कितने लोग बोला ये बोलो। ये सब लोग छोड़ दो आप, कितने लोग बोला? दो तीन लोग बोला है तो सब लोग कैसे हो जाएगा? आमेन, हालेलुया। दो तीन लोगों ने आपके बारे में कुछ बोला तो सब लोग हो जाएगा? नहीं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। लेकिन परमेश्वर के राज्य में कितने लोग हैं आपको पता है? परमेश्वर के राज्य में कितने लोग हैं आपको पता है? पुराना नियम के सारे पवित्र लोग हैं स्वर्ग में, करोड़ों 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 स्वर्गदूत है। उस दुनिया में आप आदरणीय है। हालेलुया। यहां की चार पांच लोग आपके बारे में कुछ बोलेगा तो क्या फर्क पड़ता है भैया? आमेन। आपका पिता का राज्य में आप आदरणीय है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बेटा बेटा होने के लिए स्वीकार किया है। परमेश्वर की नजर में आप प्रिय संतान है। हालेलुया, हालेलुया, इन जीसस नेम, हालेलुया। ऐसे जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, जल्दी जाएंगे। ओके, अगला शब्द दुर्नाम और कुछ लोग हमारे बारे में हमें दुर्नाम देता है, गलत नाम। अरे वो तो ऐसा है, वो तो दुर्नाम देता। आपको पता है आपको कौन सी नाम लोगों ने दिया है? दिया है ना, पड़ोसियों ने दिया था, स्कूल में पढ़ते समय और बच्चों ने दिया था, टीचर्स ने दिया था, अच्छे अच्छे नाम दिया था ना आपको। मुझे कई सारे नाम दिया दिया ना, सच बोलना है, दिया। अमिता को बहुत नाम मिला है, दुर्नाम मिला है। ओके, हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पे दुर्नाम हमको मिल सकता है। बहुत से लोग दुर्नाम अलग अलग समय पर देते हैं। कोई आप ऑफिस में काम करते हो, वो भी चुपके चुपके बोलते हैं, अरे ये तो ऐसा है, बोल सकता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में आपको कौन सी नाम मिला है? कौन सी नाम मिला है? सब लोग कौन सी नाम मिला है? एक अच्छा नाम मिला है, वो नाम है आप परमेश्वर का पुत्र है। वो नाम है आप परमेश्वर के सामने धर्मी हो। वो नाम है आप मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। तो दुनिया में कितने भी लोग आपको बदनाम दे, दुर्नाम दे, तो भी आपको एक सुनाम, एक अच्छा नाम स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में आपका नाम लिखा है और आपका पास आपको एक सुनाम दिया हुआ है। अभी मेरा सवाल, यहां पर लोग बोलने वाला दुर्नाम के पीछे जाएंगे, उस सुनाम के लिए आप खुश हो जाएंगे?
चार पांच लोग कुछ नाम आपको दिया, आप उसके पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर ने आपका नाम को जीवन का पुस्तक में जब लिख रहा था, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन आपको सिर्फ यही परेशान कर रहा है, आपको वो उससे आप खुश नहीं हो रहे, वो बातें आप नहीं समझ पा रहे। कम टू द स्पिरिचुअल रिलम चर्च, कम टू द स्पिरिचुअल रिलम। आप उस आत्मिक दुनिया में आकर देखो, आप उस आत्मिक दुनिया में आकर देखो। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। कुछ लोग आपके बारे में ईविल रिपोर्ट देता है, कुछ लोग आपके बारे में गुड रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट देता है। सुनाम और बदनाम में ऐसा भी एक मीनिंग है, गुड रिपोर्ट और ईविल रिपोर्ट। कुछ लोग आपके बारे में गलत खबर देता है, लेकिन हालेलुया स्वर्गदूत आपके बारे में अच्छा खबर देता है। अगले शब्द जल्दी, अनजानों के सदृश है, अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, उससे पहले भी होगा कुछ, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं। हमारे हमें कैसे मालूम होते हैं? भरमाने वाले, धर्म बदलने वाले, भरमाने वाले, कैसे हमें मालूम होता है? हालेलुया। लेकिन हम कौन है? तो भी सच्चे हैं। तो भी हम कौन है? आप कौन है? बोले हम सच्चे हैं। हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हम कौन है? हमें ऐसे मालूम पड़ते हैं तो भी हम सच्चे हैं। ये कौन विश्वास करेगा सिस्टर फ्लोरी? ये चर्च विश्वास नहीं करेगा तो ये मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया आमेन। हम कौन है? झूठे हैं क्या? आमेन। हमारे जैसे देश के लिए प्रार्थना करने वाला और कोई है? हमारे देश से देश प्रेमी कोई है? हम देश से, हमारे भारत से बहुत प्रेम करते हैं। आमेन। हमारे जैसे देश को प्रेम करने वाला, देश के लिए प्रार्थना करने वाला, देश की भलाई को चाहने वाला, हालेलुया हालेलुया। हम देश के लिए हमेशा प्रार्थना कर, देश की शांति और आनंद और बरकत और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। लेकिन हमारे बारे में गलत यहाँ पे बोलता होगा, बहुत से लोग गलत बातें बोलता होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हमारे बारे में हालेलुया, स्वर्ग में एक शब्द है, आप सच्चे हैं। और अनजानों के सदृश है, अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, तो भी आमेन। यहां पे बैठने वाले लोग हमें ज्यादा से ज्यादा है तो कितने लोग जानते हैं आपको? ज्यादा से ज्यादा कितने लोग जानता होगा आपको? आपका फेसबुक फ्रेंड्स लिस्ट में 5,000 क्रॉस हो गया होगा, उसमें भी 10% लोग भी आपको नहीं जानते हैं। ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, एक्सेप्ट किया है, दोस्त बन किया है। मेरे पास बीच बीच में आकर पास्टर में आपका फेसबुक फ्रेंड हो, हाँ ओह काफी मालूम ही नहीं है एक्टिंग करने वाला, हाँ जानता हूँ जानता हूँ। हालेलुया। कितने लोग जानते? 500 लोग, 1,000 लोग, मैक्सिमम 1,000 लोग। अभी बड़े बड़े ऐसा होते दुनिया में कितने बड़े फेमस लोग, फिल्म स्टार वगैरह, क्रिकेट स्टार वगैरह, स्पोर्ट्स स्टार वगैरह, वो कितने लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। उनकी ट्विटर को इतना फॉलोवर्स मिलता है, इसका फेसबुक का फॉलोवर्स, इसका इंस्टाग्राम फॉलोवर्स इतना लाखों में करोड़ों में होते हैं, आपका कितने फॉलो करेंगे? हालेलुया। लेकिन आपकी फॉलो करने वाला, आपको लाइक मारने वाला, आपके लिए कमेंट डालने वाला, हालेलुया,
आमेन। आप यहां पे प्रसिद्ध नहीं है लेकिन स्वर्ग में आप बहुत ही प्रसिद्ध है। यू आर वेरी फेमस इन हेवन। और वहां पे 800 करोड़ नहीं है, करोड़ों 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 लोग वहां पर है। आमेन। आज से 5000 साल पहले जिंदा था अब्राहम, वो अब्राहम आपको जानता है। आमेन। दाऊद साहब आपको जानते हैं। डाउट है आपको? डाउट है? दाऊद आपको जानते, डेविड आपको जानते, डाउट है? डाउट है? मीटिंग के बाद मेरे पास आना। हालेलुया। आमेन। पौलुस आपको जानते हैं, ऑल द एंजल्स आपको जानते हैं, और इतना भी नहीं स्वर्ग पूरा आपको जानते हैं। वो अलग, वो तो खुशी के बात है, पूरा स्वर्ग आपको जानते हैं। एक बार एक बड़ा जादूगर, ठीक है, बड़ा जादूगर, जादूगर के पास एक दुष्टात्मा से पकड़ा हुआ व्यक्ति को लेकर आया। वो जादूगर बहुत फेमस है, उनके पास किसी को भी लेकर आते हो, शांत कराता है, जाड़ा लगाता है, अंदर से वो दुष्टात्मा को शांत कराता है या कुछ करते हो, इसलिए उनके पास लेकर आया। तो दुष्टात्मा चिल्लाना शुरू किया, तो इसने बोला, हाँ निकल जा, छुपो, मारूंगा, ओ करूंगा, सब बोल रहा था। तो दुष्टात्मा ने बोला, तू कौन है? तो ये जादूगर ने बोला, तू मुझे नहीं जानता, मैं इतना सालों से यहाँ पे बड़ा जाने माने जादूगर है, नहीं जानता। हम तो यीशु को जानते हैं और पौलुस को भी जानते हैं, लेकिन तुझे नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु को जानता है वो आपको भी जानता है। ओह जीसस, जीसस, हालेलुया, आमेन। यू आर वेरी फेमस इन हेवन। हालेलुया। और सारे दुष्टात्मा भी आपको जानते हैं। हालेलुया। जो यीशु को जानते हैं वो आपको भी जानता है। आमेन। क्योंकि आपका एड्रेस कर साथ में यीशु का भी नाम है, राजमोहन, केयर ऑफ जीसस, सन ऑफ गॉड, केयर ऑफ जीसस एंड द रेसिडेंट्स ऑफ द होली स्पिरिट। मैं कौन हूं? पवित्र आत्मा का घर हूं। हालेलुया। परमेश्वर का बेटा हूं। आमेन। हालेलुया। लेट मी टेल यू, यू आर वेरी फेमस इन द स्पिरिचुअल रिलम। यू आर वेरी फेमस इन द किंगडम ऑफ गॉड। यू आर वेरी फेमस इन हेवन। हालेलुया, हालेलुया। समथिंग वेरी पावरफुल इज गोइंग टू हैपन। अगला पढ़ना, जल्दी पढ़ना, शस्पर खल मदनगर सियांत लर। मरते हुओं के समान है। यहां पर हम किसके समान है? किसके समान है? कभी कभी लगता है अभी मरने वाला है, मरने जा रहा है, लेकिन आप कौन है? और देखो जीवित है। अब यहां पर आकर देखो ना, अब यहां पर खड़े होकर देखता है तो मरते हुओं के समान है। अब यहां पर आकर देखो, आप कौन है? आप कौन है? बोलिए, मैं जीवित हूं। आई एम अलाइव। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह का जीवन है, क्योंकि मेरे अंदर आनंद जीवन है। ओ हालेलुया, हालेलुया। यहां पर मैं मरते हुओं का समान हूं, लेकिन यहां पर मैं जीवित हूं। आमेन। कितने लोग बोलता है मैं जीवित हूं? हालेलुया। जल्दी जल्दी जल्दी, मार खाने वालों के सदृश। यहां पर कई किसके सदस्य है? मार खाने वालों के सदस्य, लेकिन यहां पर कैसे है? परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। हालेलुया। लेकिन प्राण से मारे नहीं जाते हैं। हालेलुया। आपको आत्मिक स्तर में खड़े होकर, वो दोनों दो तीन शब्द को मैं जल्दी छोड़ता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो गया। जल्दी पढ़ना। ओके। शोक करने वालों के समान। यहाँ पर हम किसके समान है? लेकिन यहाँ पर किसके समान है? परंतु सर्वदा आनंद करते हैं।
यहाँ पे हम नाचते हैं सर्वदा आनंद बनाता है। हालेलुया। पौलुस बोलते हैं यहाँ पर हम शो करने वालों के सब, लेकिन आत्मिक दुनिया में हम आनंद बनाता है, नाचता है, वी सेलिब्रेट। हालेलुया। वो भी कब कब कब? सर्वदा सर्वदा आनंद मनाते हैं। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पर हम कंगालों के समान, कंगालों का हमारे पास कुछ है क्या? दुनिया के स्टैंडर्ड में देखो तो हमारे पास कुछ है? ज्यादा ज्यादा जो गाड़ी है, एक घर है, एक नौकरी है, ठीक है, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया आपको महीना में आता होगा, उससे ज्यादा कुछ आता है? 5 लाख रुपया किसी को भी नहीं आ रहा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। कुछ है क्या? लेकिन हमारे पास एक, हम कौन है यहाँ पर? हम कौन है? बहुत से लोगों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। हम बहुत से लोगों को क्या बनाते हैं? ये अलग सीक्रेट है, हम बाद में बताएंगे। हालेलुया आमेन। हम बहुत से लोगों को धनवान बनाता है, वी मेक पीपल रिच। आमेन। हालेलुया। और ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं, जैसे हमारे पास कुछ नहीं लेकिन तो भी सब कुछ रखते हैं। ओ आमेन। हमारे पास क्या है सब? हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? शाखा स्माखल रबसपल फरगसिया। कौन सी शैतान ने झूठ बोला आपके पास कुछ नहीं है? अरे हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास यीशु है। बोलिए मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास यीशु है। हालेलुया। कहते हैं हमारी ऐसे रहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास, बोलिए बोलिए, हमारे पास, हमारे पास, हमारे पास, हमारे पास। हालेलुया हालेलुया। दिस इज अ रेवलेशन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन परमेश्वर का राज्य में हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। और आनंद का भरपूरी है। हालेलुया। स्वर्ग में सब हमें जानते हैं, हम सच्चे हैं, हम यहां पर जिंदा है। बहुत से लोग यहां पर जिंदा है, वहां पर नहीं है, लेकिन हम यहां पर जिंदा है। यहां पर हमारे एक अच्छा नाम है। ओ माय गॉड। यहां पर हमारे एक अच्छा नाम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लांथेरी मनग सियांतल रबे शगस परालग सियांतल रबे ये प्रकाशन अगर आपको समझ में आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका स्पिरिचुअल लाइफ बदल जाएगा। आप आत्मिक दुनिया में जीना शुरू करेंगे, आप आत्मिक दुनिया में जीना शुरू करेंगे। हालेलुया। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हाल बसे खाला बसे इंग्लिश में लिखा है हालेलुया, as having nothing and it in reality possessing all things. In reality we are possessing all things. Amen. सच में वास्तव में सब कुछ को हम पोसेस किया हुआ है। हालेलुया। लाबा शेखोलो रोबा सियांथल रबे रूबा शेखो रबा सियांथल रबे शांथल रबे लिपरग सियांथो रबा सखोर मनग सियांथल रबे
लिगस परगरगस्याम थलरबे रिबा प्रबालगस्यांते ओ जीसस वी प्रेज यू वी वर्शिप यू लॉर्ड वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस हालेलुया We worship your name. मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है. आज से ऐसे बोलना शुरू करें, आप यहां की बातें बोलना शुरू करें. मेरे पास एक अच्छा नाम है. हालेलुया, मेरे पास सब कुछ है, मैं सच्चा हूं. हालेलुया, 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 हालेलुया. मैं बहुत से लोगों को धनी बनाने वाला व्यक्ति हूं. आमेन इन जीसस नेम. लिखो शपारखा लबथरास मना हंधरबे रिबश पारखा स्यांथे रबथो शांथे शांथे लबस्या लॉर्ड सपर शखा लबस्यांथे लरबे रिबा बाबा शांथो रबो रेखो शपारखा लाथाना मस्यांथा लरबा रबा रिबोश पारखाला बस्यांथा रबा शिखोर बस्यांथे रिबोश शकाल माथारा बस्यांथा रबा शिखोल मनांथे रिबा शिखोर मस्माथा रबा शिखोरबो लेबा शांथे रे मेरी बस्यांथे लरबे हालेलुया We praise your name, Jesus. We worship. जितने भी ऑनलाइन में हैं आप लोग, समय प्रभु के राज्य के लिए जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं. Give the best to the Lord. प्रभु के राज्य के लिए आप दे. उसी के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें. God bless you. Hallelujah. Shalom. परमेश्वर का प्रेम में, Hallelujah. परमेश्वर की अनुग्रह में प्रभु आपको संभाल कर सुरक्षित रखे. Be in this revelation. इस प्रकाशन में आप जिए. परमेश्वर आपको आशीष दे. Thank you, Jesus.